अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई का स्वाद नंबर वन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल मटन करी की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्ती ये बनकर तैयार होती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी बनकर तैयार होती है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है तो यहाँ पर मैंने वन के जी मटन ले लिया है इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं तड़के के लिए दो तेजपत्ता लिया है और इसके अलावा एक दालचीनी का टुकड़ा दो हरी इलायची जावित्री का आधा फूल एक बड़ी इलायची दस बारह काली मिर्च हाफ टी स्पून ज़ीरा चार से पाँच लौंग एक स्टार फूल लेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है पचास ग्राम यहाँ पर मैंने दही लिया है और इसके अलावा यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट करके उसको मैंने ब्राउन करके इस तरह से पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और यहाँ पर तीन मीडियम साइज़ की टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है और यहाँ पर दो से ढाई चम्मच यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं सूखे मसालों में यहाँ पर मैंने लिए हैं दो चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर और आधे चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर तो हमें बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत इसके अलावा ऑयल लेंगे और नमक तो यहाँ पर मैंने एक कुकर रख लिया है कुकर को गर्म होते इसमें हम वही ऑयल डालेंगे जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था तो मैंने यहाँ पर वही ऑयल लिया है ऑयल को गर्म होते इसमें हम डालेंगे तड़के वाले मसाले तो यहाँ पर मैंने साबुत मसाले डाल दिए हैं और गैस की फ्लेम को यहाँ पर स्लो रखना है स्लो फ्लेम पर मसाले को चटकने तक वेट करना है ताकि मसालों का फ्लेवर ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए तो मसाले यहाँ पर भुन चुके अच्छी तरह से छटक चुके हैं तो यहाँ पर हम मटन डाल देंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरा मटन डाल दिया है अब यहीं पर हम नमक भी ऐड कर लेंगे साथ में ही नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं मैंने यहाँ पर एक चम्मच के करीब डाला है नमक तो अब इसे हमें अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेना है नमक को और यहाँ पर कम से कम दो से तीन मिनट के लिए गोश्त की इसी तरह से चलाते हुए भुनाई करनी है हाई फ्लेम पर ताकि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए और इसमें एक हल्की सी स्मेल जो होती है गोश्त की वो भी ख़त्म हो जाए मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आए तो ये देखिए यहाँ पर गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है मटन का तो अब यहीं पर हमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ में ये टमाटर की प्यूरी भी ऐड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को ऐड कर लिया है अब इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे सबसे पहले इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद अब इसका ढक्कन लगाकर इसे हम रखेंगे दो मिनट के लिए इसी तरह से अब इसे दो मिनट बाद चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर मटन में काफ़ी सारा पानी रिलीज हो चुका है तो इस तरह से हम थोड़ा सा चलाते हुए इसे चेक कर लेंगे चेक करने के बाद अब यहीं पर हम दही भी ऐड कर लेंगे तो दही भी ऐड करने के बाद दही को भी हमें दो मिनट के लिए गोश्त के साथ भुनाई करनी है तो ये देखिए इस तरह से इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे पहले और उसके बाद दोबारा से हम इसका ढक्कन लगाकर कर दो मिनट के लिए इसे रख देंगे हाई फ्लेम पर तो चलिए रख देते हैं तो दो मिनट हो चुका है देख सकते हैं माशाल्लाह गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है बिल्कुल अच्छे से इसमें कलर आना शुरू हो गया है तो इस तरह से इसे हम चलाते हुए चेक कर लेंगे और उसके बाद अब यहीं पर हम ऐड करेंगे सूखे मसाले पिसे हुए तो ये देखिए जिस हमने मसाले लिए थे वो पूरा मसाला यहाँ पर डाल देंगे डालकर इसे अच्छी तरह से चलाते हुए गोश्त में मिक्स कर लेंगे मटन में तो ये देखिए अब यहाँ पर हमें फ़्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेना है स्लो फ्लेम पर हमें मसाले की भुनाई करनी है अगर हम हाई फ्लेम कर देंगे तो यहाँ पर ये मसाले जो हैं नीचे लगने शुरू हो जाएंगे इससे मटन का टेस्ट ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल स्लो फ्लेम रखिएगा स्लो फ्लेम पर ही इसकी हमें भुनाई करनी है अगर यहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस होती है पानी डालने की तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा गोश्त की बुनाई वो मसाले की बुनाई करने के लिए और साथ में यहाँ पर मैं जो प्याज का पेस्ट बनाकर तैयार की थी वो भी यहीं पर ऐड कर लेंगे और इसी भी अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे हाँ अगर आपको ज़रूरत नहीं महसूस होती है आपके मटन में पानी है मसाला भुनने के लिए काफ़ी है तो आप यहाँ पर पानी मत ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कम पानी लग रहा था तो मैंने थोड़े सा ही पानी इसमें ऐड किया था तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ही ऐड कीजिएगा तो अब इसे हम भून लेते हैं कम से कम तीन से चार मिनट के लिए तो देखिए तीन से चार मिनट बाद यहाँ पर मसाले कितने परफेक्ट से भुन चुके हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है मसालों से और मसाला मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और बीच बीच में मैंने इसे खोल चेक भी किया था और उसके बाद अब यहाँ पर मटन को गलाने के लिए मैंने पानी ऐड किया है तो यहाँ पर मैं पतली ग्रेवी रखना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैंने दो गिलास पानी ऐड किया है अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी रखनी है तो आप पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से ही डालिएगा और यहाँ पर साथ में हमें मटन गलाने के लिए पानी थोड़े से एक्स्ट्रा ही रखना है तो यहाँ पर मैंने टोटल दो गिलास पानी ऐड किया है दो बार में और यहाँ पर पानी बॉयल ऐड कीजिए मटन गल भी जाएगा और पतली ग्रेवी भी बनकर रेडी होगी तो अब इसका ढक्कन लगा कर इसे रख देते हैं तो फ्रेंड्स मटन यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बहुत पकाया हुआ है तो यहाँ पर ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है इसे मैंने टोटल सिर्फ पंद्रह से बीस मिनट के लिए रखा था और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटन ग्रेवी बनकर तैयार हुई है यानी कि मटन करी बनकर तैयार हुई है तो देख सकते हैं कितना स्मूथ सा यहाँ पर इसकी ग्रेवी बनकर पतली सी तैयार हुई है ये देखिए अब यहाँ पर हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गला है या नहीं अभी ये तो ये देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह गला हुआ है बिल्कुल आराम से ये देखिए कितना कितने बढ़िया तरीके से मटन यहाँ पर गल चुका है ये देखिए इसकी ग्रेवी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुई माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इस तरीके से आप मटन करी बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब बनेगी और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का अब यहाँ पर हम इसमें कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे तो लीजिए यहाँ पर हमारी बहुत ही बेहतरीन सी मटन करी बनकर रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर दिया है आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ चपाती के साथ या फिर राइस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें तो फ्रेंड्स आप अपने घर में बनाइए खिलाइए और इन्जॉय कीजिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से बनी ये मटन करी बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होती है तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स फ़ैमिली में शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज के रिव्यू इतने ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़